रेड अलर्ट होता है या नो तपा बोला जाता है तब हम लोग अपनी ये सेवाएं देते हैं अजय मीरू लेडी सोशल सोसाइटी के तरफ से। कितने के वजह से कितने बजे तक रहेगा? 50 से 100 कैंपरों के बीच में हम सेवा देते हैं एक प्लेटफॉर्म। कितने आपके संस्था के जो जुड़े हुए हैं वो कितने? बहुत सारे सदस्य हैं, देखो आप जहाँ देखोगे रेड और वाइट ड्रेस दिखेगी आपको। करीबन कितने होंगे अंदाजन? अभी करीबन 10 से 25 के बीच। जी किस तरह की सेवा कर रहे हैं आज? आज हम एक सोशल सोसाइटी ग्रुप की तरफ से ये जल सेवा का एक प्रावधान रखा जाता है। यहाँ पर जब नौ तपा होते हैं, जब भयंकर भीषण गर्मी से लोग परेशान होते हैं, तब ये अजय मेरे सोशल सोसाइटी के सारे सदस्य सभी जन को ठंडे पानी शीतल पेय प्रदान करते हैं। कई लोगों को ट्रेन में जाकर भी सुविधा दे देते हैं, जो लोग ट्रेन से उतरने में असमर्थ होते हैं जब भीषण गर्मी से परेशान होते हैं तो उनको वहाँ जाकर भी सेवा दे देते हैं। और सबको इतनी गर्मी में जल प्रदान करके, जल सेवा करके हमें बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है। इतना अच्छा लग रहा है जब सब लोग कहते हैं कि इतनी भीषण गर्मी है कि आप जल सेवा का जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही बेहतर कार्य है, और हम कोशिश करेंगे लगातार ये सेवा कार्य करते रहें। अभी हमारा 2 दिन का कार्यक्रम है ये, और प्लेटफॉर्म पर 3 जगह हमारे काउंटर्स लगे हैं जहाँ पर काफ़ी लोगों को सेवा प्रदान की गई। आपका नाम? शिवकुमार जी। किस तरह की सेवाएं कर रही है आप? आज हम अजमेर लेडी सोशल सोसाइटी की तरफ से ठंडे जल की हम व्यवस्था कर रही हैं और लोगों को ठंडा पानी पिला। कहाँ पर लगा रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं आपके? ये हमारा अजमेर का रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म नंबर 1। आपका नाम? सबलीन का, अजमेर लेडी सोशल सोसाइटी की तरफ से। हम लोग अजमेरू लेडीज सोशल सोसाइटी की ओर से हैं, हम सभी सदस्यता, हम लोग जल जीवन दे रहे हैं, यानी कि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है जिसमें एक जल एकमात्र सहारा होता है सभी का, जो यात्री आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो हम लोगों ने स्टेशन पे इसलिए दिया है क्योंकि सभी यात्रियों को पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जो कि ट्रेन से नहीं आ पाते हैं और ना जा पाते हैं, तो हम लोग उनको सुविधा दे रहे हैं यहाँ पर 26 और 27 तारीख 2 दिन हम लोगों को रेलवे की तरफ से मिला हुआ है, तो हम 2 दिन ये सुविधाएँ देंगे आज और कल। तो सभी को जल की इतनी आवश्यकता होती है, इतनी भीषण गर्मी जहाँ 35 डिग्री तक पहुँच चुका है, सबका इतना पसीना निकल रहा है कि पूछो मत, तो उसलिए हम लोग इसे सेवा दे रहे हैं सभी को। आपका नाम? मेरा नाम नीरू जैन है, और हम सभी LSS की तरफ से ये सभी 40 मेंबर्स यहाँ लगे हुए स्टेशन पे जो अपनी हर चीज लोगों को सुविधा दे रहे हैं। जो भी यहाँ से पानी पीकर जाता है वो हम लोगों को बहुत दुआएं दे के जा रहा है कि आपका NGO बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। थैंक यू। खुशी तो बहुत महसूस होती है, किसी को अपने आप से जल सेवा कराने से अंदर से बहुत अच्छा लगता है। 2 दिन की जगह हमको 5 दिन की परमिशन मिलनी चाहिए, तो हम 5 दिन भी इसको तैयार करा सकते। आपका नाम? निधि। इतनी भीषण गर्मी में जब लोग आते हैं और ठंडा जल पीते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है और हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। आपका नाम? रितु जैन।